हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ओपन इंटरेस्ट के बारे में देखा था। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में कोई भी डाउट है तो मैंने आपको बताया था कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आज हम थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ऑप्शन चेन डेटा को एनालाइज करने के लिए आपको ओपन इंटरेस्ट में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? बायर और सेलर के बीच में। तो बायर और सेलर के बीच में जब ट्रांजेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। बायर और सेलर के बीच में एक लॉट के लिए जो ट्रांजेक्शन होता है तब ओपन इंटरेस्ट एक से इंक्रीज हो जाता है। बाइंग और सेलिंग को सेपरेट नहीं गिनेंगे, बाइंग और सेलिंग दोनों एक ही ट्रांजेक्शन में हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो हमने देखा था कि ओपन इंटरेस्ट के क्या फीचर्स हैं। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है, अभी भी इंटरेस्ट वहाँ पे है, वहाँ पे जो भी जिसने पोजीशन बनाई है वो रिवर्स नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब फ्रेश प्लेयर्स आते हैं जो बाय करते हैं और सेल करते हैं, बायर और सेलर ओपन इंटरेस्ट जब इंक्रीज़ होता है तो उसका मतलब ये होता है कि बायर और सेलर एक दूसरे के अगेंस्ट में बेट कर रहे हैं। तो जब फ्रेश बाइंग होती है तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है, और जब अंदर अंदर ट्रांजेक्शन होता है, मतलब जो ओल्ड प्लेयर्स के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, तो ओपन इंटरेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब नए प्लेयर्स आते हैं मार्केट से, जब नए प्लेयर्स आते हैं, बाइंग और सेलिंग होती है, तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर जाता है। और सेम प्लेयर जब चले जाते हैं तो सेटलमेंट हो जाता है, तो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये हमने चीज़ें कल डिटेल में समझी थी। एग्जांपल के तौर पे हमने ए बी सी डी ई एफ जी तीनों के अंदर अंदर के ट्रांजेक्शन, फिर उनके बाहर के साथ के ट्रांजेक्शन को हमने एनालाइज़ किया था और समझा था कि ओपन इंटरेस्ट का काउंट कैसे बढ़ता घटता है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर नए प्लेयर्स आ रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा, सेम प्लेयर्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट में चेंज नहीं होगा। अगर सेम प्लेयर जिसने पहले बाइंग करी थी वो अब सेलिंग कर रहे हैं, और जिसने पहले सेलिंग करी थी वो बाइंग कर रहे हैं, तो ओपन इंटरेस्ट का सेटलमेंट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट हो जाएगा, तो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में। दोस्तों, वॉल्यूम जितना समझने में सिंपल लगता है उतना ही सिंपल है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इसको आराम से इजीली जैसे मैं बताते जाता हूँ वैसे ही समझना है, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। लेकिन इसका यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक कॉन्फर्मेशन इंडिकेटर है, और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट वगैरह को देख रहे हैं, तो उसके साथ अगर आप ओवरऑल एनालिसिस में वॉल्यूम को जोड़ दें तो आपको कन्फर्मेशन का एक और लेयर मिल जाता है और आपके सक्सेस के चांसेस काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। सिंपल इसको समझने की कोशिश करें तो वॉल्यूम का मतलब होता है ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय एंड सेल इक्वल वॉल्यूम इंक्रीजेस। अगर बाइंग एंड सेलिंग होती है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम में क्या होता है, ये एक्यूमुलेट नहीं होता। अगर आप कोई भी ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे, मैं आपको आगे के वीडियो में इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा, तो अगर आप ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे तो वॉल्यूम का आपको अक्यूमुलेशन नहीं मिलेगा। मतलब हर रोज़ का वॉल्यूम हर रोज़ के दिन ही दिखता है, नेक्स्ट डे उसका ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। जबकि ओपन इंटरेस्ट में जो भी प्रीवियस बैलेंस था वो कैरी फॉरवर्ड होता है, उस दिन की मूवमेंट उसमें प्लस माइनस होती है और वो क्लोजिंग बैलेंस बनता है। वॉल्यूम में ऐसा नहीं होता, हर रोज़ का वॉल्यूम हर रोज़ दिखता है। तो ये हो गया मोटा मोटा फ़र्क ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के बीच में। दूसरी बात, या तो अंदर अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है, नए प्लेयर्स ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, नए प्लेयर्स पुराने प्लेयर्स के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट में फ़र्क पड़े या ना पड़े, वॉल्यूम में तो फ़र्क पड़ना ही है। या तो वॉल्यूम बढ़ेगा या तो उतने का उतना रहेगा, लेकिन अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है और हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो दोस्तों, वॉल्यूम का एक और इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि वो लिक्विडिटी दर्शाता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आपको लिक्विडिटी ज़्यादा मिल रही है तो उसका क्या मतलब हुआ कि उसमें अच्छे खासे बाइंग और सेलिंग के सौदे हो रहे हैं, तो उसका मतलब हो गया वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है। और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब उस स्ट्राइक प्राइस पे अगर आपने कोई पोजीशन बना रखी है, तो कल को अगर आपको अपनी पोजीशन रिवर्स करनी है तो चूंकि उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप जो भी प्राइस पे उसको रिवर्स करना चाहे, मतलब जो भी मैचिंग प्राइस अगर आपको ढूंढनी हो तो वो मिल जाएगी, प्रोवाइडेड मार्केट में भी वही प्राइस चल रही हो। अगर लिक्विडिटी नहीं है, आप प्रॉफिट में भी है, तो भी आप अपना ट्रांजेक्शन अगर रिवर्स नहीं कर पाएंगे तो उसमें फिर आपको प्रॉफिट आप बुक नहीं कर पाएंगे, तो आपको प्रॉफिट होगा नहीं। तो इसीलिए लिक्विडिटी, आप जो भी आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे या कॉन्ट्रैक्ट में डील कर रहे हो, आप ये इंश्योर कर लीजिए कि वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है। और लिक्विडिटी को कंफर्म करने के लिए आपको वॉल्यूम को देखना पड़ेगा कि अगर वॉल्यूम अच्छा खासा है तो लिक्विडिटी अच्छी मानी जाएगी।
जैसे कि मैंने आपको बताया, हर दिन का वॉल्यूम आपको दिखता है, उसमें कोई अक्यूमुलेशन होता नहीं है। तो दोस्तों अगर हम इसको समझना चाहें तो एक दिन की मूवमेंट हम देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को साथ साथ में समझेंगे कि जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता जाता है ऐसे ऐसे ओपन इंटरेस्ट में क्या फ़र्क पड़ता है और वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको अगर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के बारे में जो भी थोड़ा बहुत भी डाउट है तो ये जो एग्जांपल देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो डे वन वॉल्यूम ज़ीरो, 10 बजे कोई पार्टिसिपेंट्स नहीं थे, वॉल्यूम भी ज़ीरो, ओपन इंटरेस्ट भी ज़ीरो। फिर उसी दिन 11 बजे एक ट्रांजेक्शन होता है एक और ए और बी के बीच में, तो कॉन्ट्रैक्ट एक बना, बाइंग या सेलिंग हुई ए और बी के बीच में, ओपन इंटरेस्ट बढ़ के एक हो गया, ट्रांजेक्शन हुआ तो वॉल्यूम बढ़ के एक हो गया। उसी दिन 12:30 बजे सी और डी के बीच में एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो पहले तो एक ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, अब और सी के और सी और डी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ओपन इंटरेस्ट 1+1 2 हो गया, वॉल्यूम भी 1+1 2 हो गया। तो अभी तक ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम सिमिलर जा रहे हैं। अब फर्क आएगा 2 बजे बाइंग और सेलिंग हुई ए और सी के बीच में। ए और सी कौन से प्लेयर हैं? एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं। तो क्या हुआ, ए और बी, ए ने बाई किया, सी ने सेल किया। तो दोनों अगर नए प्लेयर होते तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता, बट चूंकि ये पुराने प्लेयर्स हैं ओपन इंटरेस्ट में चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट 2+0=2, ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ट्रांजेक्शन हुआ ए और सी के बीच में, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो 2+1=3, तो वॉल्यूम हो गया 3, ओपन इंटरेस्ट हो गया 2। उसी दिन 2:30 बजे एक और ट्रांजेक्शन हुआ डी और ई के बीच में। यहाँ डी पुराना प्लेयर है, ई नया प्लेयर है, ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, ओपन इंटरेस्ट 2+0=2 हो जाएगा, लेकिन चूंकि ट्रांजेक्शन हुआ वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 3+1=4। उसी दिन 3 बजे 2 लॉट बाय और सेल हुए, ए ने 2 लॉट सेल किए बी को और जी को। तो हुआ क्या, ए पहले लॉन्ग था अब वो शॉर्ट हो रहा है, बी पहले शॉर्ट था अब वो लॉन्ग हो रहा है, तो ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया, तो ओपन इंटरेस्ट 1 से घट जाएगा, और जी ने खरीदारी करी है ए से तो अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र हुआ, तो उसमें ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज आएगा नहीं। एक कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र हो गया, बट वो अभी भी ओपन है, तो 2 ओपन इंटरेस्ट था, एक और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया वो 1 ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ओपन इंटरेस्ट हो गया अब 1, वॉल्यूम हो गया अब 5, क्योंकि ट्रांजेक्शन हुआ है तो ओपन इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि सेटलमेंट हुआ है ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि ट्रांजेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे हमने सिंप्लिसिटी के तौर पे मान, हमने ऐसा माना है कि एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है तो हमने वॉल्यूम में 1 बढ़ाया है। मान लीजिए 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन होते तो वॉल्यूम भी 2 से बढ़ जाता। अभी तक हो गया है ओपन इंटरेस्ट 1, वॉल्यूम हो गया है 5। फिर 3:20 बजे क्या हुआ, जी और ई ने एक ट्रांजेक्शन किया। जी और ई क्या एग्जिस्टिंग प्लेयर है? बिल्कुल एग्जिस्टिंग प्लेयर है। जी पहले लॉन्ग था अब वो शॉर्ट कर रहा है, ई पहले शॉर्ट था अब वो लॉन्ग हो रहा है। दोनों एग्जिस्टिंग प्लेयर अपनी पोजीशन रिवर्स कर रहे हैं, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया, ओपन इंटरेस्ट 1 से घट के हो जाएगा 0 क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट था वो सेटल हो गया, लेकिन ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वॉल्यूम 5 था, 1 बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम हो जाएगा 6। तो दोस्तों ये मैंने बताया आपको कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में कैसे चेंज होता है। आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब जो थर्ड वीडियो आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि प्राइस में कैसे चेंज होता है, और उसको फिर बारी बारी से ओपन इंटरेस्ट के साथ और फिर वॉल्यूम के साथ और फिर तीनों का होलिस्टिक एनालिसिस करके क्या इंडिकेशन मिलता है उसको समझने की हम डिटेल में कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और एज़ यूजुअल आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आप मैंशन कर सकते हैं। थैंक यू।